तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी रैली में आपको सिपाही फार्मा के लिए 27 नवंबर से बहाली होने वाले, ठीक है ना। 27 नवंबर से बहाली आपका मुजफ्फरपुर में होने वाला है। ध्यान से देख ले, बिहार झारखंड वाले कैंडिडेट के लिए खास करके दिया हुआ है। और किन्हीं के कोई भी सवाल सवाल करें, कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिपाही फार्मा के लिए 27 नवंबर से बहाली यहाँ पर हिंदुस्तान जॉब्स का पेपर में आउट किया गया है। 28 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख ले क्या क्या रजिस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखें क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। बी फार्मा एवं डी फार्मा के साथ 12वीं पास युवक ही कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया। ध्यान से आप लोग सुन लें। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका होने वाला ज्वाइंट इंडियन आर्मी .nic.in पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। कैसे आपको ऑनलाइन होगा मैं ये भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो, जो जैसे ही आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा मैं उस दिन आपको बना के दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, बिहार झारखंड के युवकों के लिए आर्मी मेडिकल कोर से जुड़ने का सुनहरा अवसर चक्कर मैदान में 28 नवंबर को सिपाही फार्मा सेंटर पद के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। इसके लिए 28 से लेकर 11 नवंबर के बीच सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें बिहार झारखंड के वैसे युवक शामिल होंगे जो 12वीं पास होंगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के निदेशक कर्नल मनमोहन सिंह मनहास ने बताया कि सिपाही फार्मा की बहाली मुजफ्फरपुर AR के तत्वावधान में पहली बार होगी। इसके लिए युवकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मंगलवार को इसकी सूचना सेना की ओर से जारी की जाएगी। इस संबंध में सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विस्तार से जानकारी मिलेगी आपको। यहाँ पर देखिए, 19 से 25 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन, यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया है। निदेशक ने बताया कि इंटरमीडिएट पास युवक इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बी फार्मा 50% और डी फार्मा 33% अंक के साथ पास होना चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 30 सितंबर 2000 के बीच होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली कह दिया, देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ आप लोग ध्यान से सुन लें। यानी जो युवक 19 से 25 वर्ष के होंगे वे रैली में शामिल हो सकेंगे। सिपाही फार्मा पद के लिए युवकों को शारीरिक दक्षता एवं मेडिकल जांच से गुजरना होगा। इन्हें भी समान सिपाही के लिए तय मानक को पालन करना होगा। हालांकि बताया जाता है कि इसकी दौड़ शारीरिक माप और मेडिकल जांच अलग होगी। यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देख लें फ्रेंड्स सभी कोई। सिपाही फार्मा के लिए 27 नवंबर से बहाली, यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जल्दी से जितने भी कैंडिडेट सभी लोग अपना तैयारी करिए। जो भी फिजिकल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ज्वाइन इंडियन आर्मी पर तुरंत जल्दी ही आ जाएगा। जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, और भी अपडेट जैसे आता है तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा जानकारी लो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर क्लिक करके आप लोग देखें, विजिट करें, उस पर पता चल जाएगा आपको। तो ये आपका एक अच्छी खुशखबरी की बात है, जो कि बहुत जल्दी ही आपको बिहार झारखंड के युवाओं के लिए आर्मी कोर में आया है भर्ती। तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग रिटर्न की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट, ये आपका चक्कर मैदान में होगा, मुजफ्फरपुर में होने वाला है ये बहाली आपका। तो सभी कैंडिडेट तैयार रहें, ठीक है। और उसके बाद भी किन्हीं को कोई सवाल जरूर कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।